परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। देखिए ये कल का आजमगढ़, अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। और मैं 2047 तक 100 विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। आप लोग बताइए, ई यूनिवर्सिटी बन जाए से आजमगढ़ मऊ वालन के फायदा होई के ना, होई के ना। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई, कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। '19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। और मैं 2047 तक 100 विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं, आपका ये उत्साह देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। देखिए ये कल का आजमगढ़, अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है, ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो, एकरे पहले
जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहीं तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तो आजमगढ़ में अपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी। साथियों, आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार में यहां युवाओं के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उसका शुभारंभ भी किया गया। आजमगढ़ मंडल के हमारे युवाओं को लंबे समय से शिक्षा से लिए बनारस, गोरखपुर या प्रयागराज जाना पड़ता था। बच्चों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजने पर मां बाप पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो भी मैं समझता हूं। अब आजमगढ़ का ये विश्वविद्यालय हमारे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते को आसान करेगा। आजमगढ़, महू, गाजीपुर और इसके आसपास के कई जिलों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। आप लोग बताइए, ई यूनिवर्सिटी बन जाए से आजमगढ़ मऊ वालन के फायदा होई के ना, होई के ना? साथियों, उत्तर प्रदेश देश की राजनीति भी तय करता है और उत्तर प्रदेश देश का विकास भी दिशा तय कर रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है, ये भूल जाते हैं
कि मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार।